नमस्कार, वीकेंड न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लगातार देखा जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समय समय पर सोशल साइट्स पर चल रही देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले ढेरों चाइनीज ऐप बैन किए गए, फिर ढेरों यूट्यूब चैनल्स पर भी कार्रवाई हुई और अब एक बार फिर से इसी सिलसिले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब के 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोस को बैन करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने जिन वीडियोस को बैन करने का आदेश यूट्यूब को दिया है उन्हें 1,30,00,000 से अधिक बार लोगों ने देखा है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्यों सरकार ने यूट्यूब के इन वीडियोस को बैन करने का आदेश दिया है। ये बातें सामने आई हैं कि वीडियोस में फेक कंटेंट के माध्यम से भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और कश्मीर के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं किया गया है बल्कि भारत के नक्शे को भी गलत तरीके से दिखाया गया है। इस सिलसिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चैनल्स में ऐसे कॉन्टेंट थे जो समुदायों के बीच भय और भ्रम फैलाते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने की मंशा से प्रसारित फर्जी खबरें और छेड़छाड़ किए गए वीडियोस शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय की ओर से प्रतिबंधित किए गए कुछ वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर के जुड़े मुद्दों पर गलत सूचनाएं प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था। ये सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के नज़रिए से झूठी और संवेदनशील मानी गई। इसमें कहा गया है कि इन वीडियोस को प्रतिबंधित करने का आदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों के तहत 23 सितंबर को जारी किया गया। इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहले सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक अकाउंट को बैन किया गया था। इससे पहले भारत ने 18 अगस्त 2022 को भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर भी नकेल कसी थी। इसी कार्रवाई में सरकार ने कुल 8 चैनलों को फिर से बैन किया था। जिन यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया था उनके नाम लोकतंत्र टीवी, यू एंड वी टीवी, एमएम रजवी, गौरवशाली पवन, मिथिलांचल, सी टॉप 5 TH, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखूं है। इसके अलावा न्यूज़ की दुनिया नामक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया था। इसलिए हमारी आप सभी से गुजारिश है कि सोशल साइट्स पर परोसे गए फेक कंटेंट के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग पैसा कमाने और अपना एजेंडा चलाने के लिए सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों के बयानबाजी कर देते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।